हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईएनडी मनी के बारे में। आईएनडी मनी एक स्टॉक ब्रोकर है, जैसे कि अदर स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया है, आप स्टॉक्स से आईएफएल से केओडीज है, जिस प्रकार से ये कंपनीज हैं उसी प्रकार से आईएनडी मनी भी एक स्टॉक ब्रोकर है, जो कि हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम आईएनडी मनी के बारे में सब कुछ जानेंगे। एक कंप्लीट रिव्यू होने वाला है जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि आईएनडी मनी एप्लीकेशन में आपको पहली बार स्टॉक्स कैसे खरीदने हैं, डिलीवरी या फिर इंट्राडे में आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है, टारगेट या स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। और इस वीडियो की खास बात ये रहने वाली है कि सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। अभी मार्केट चालू है और लाइव मार्केट में ही आपको ट्रेड करके सारी चीज़ें लाइव ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा मैं। और साथ में अपन इस कंपनी के चार्जेस के बारे में भी जानेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने पर कौन कौन से आपके चार्जेस लगते हैं और कितने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं अपन सभी चीज़ों को डिटेल में। आईएनडी मनी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। केवाईसी करनी होती है, जैसे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया, इनसे आपको वेरीफाई करना होता है, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन करता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आईएनडी मनी एप्लीकेशन जो फेमस है वो है यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग की वजह से, मतलब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसकी हेल्प से आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन फेमस जो ये कंपनी हुई थी स्टार्टिंग में, जिसने अपना एडवर्टाइजमेंट शुरू किया था, वो यूएस स्टॉक को लेकर ही किया था कि हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप यूएस के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर अलग से नीचे आप देखेंगे तो यूएस स्टॉक का अलग से सेक्शन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यूएस की जो कंपनीज हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और उनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि दो अलग अलग एंटिटी है, इंडियन स्टॉक मार्केट एंड यूएस स्टॉक मार्केट। तो जब आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करेंगे तो आपको दो अलग अलग प्रोसेस करने पड़ेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए आपको अलग से केवाईसी वेरीफाई करनी पड़ेगी, और जब यूएस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से दोबारा से केवाईसी वेरीफाई करनी पड़ेगी, मतलब पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह जो फॉर्मेलिटीज होती है वो सब आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। एंड फंड भी आपको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक ही फंड में आप दोनों जगह ट्रेड कर सकते हैं। यूएस के स्टॉक्स के लिए आपको अलग से फंड रखना पड़ेगा एंड इंडियन मार्केट के लिए आपको अलग से फंड रखना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की, इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, कैसे शेयर्स खरीदना है, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। यूएस स्टॉक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो अलग से प्रोसेस है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए अभी एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन है। अब यहाँ पर आप देखो एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस हमारा आ रहा है, वॉलेट बैलेंस आ रहा है 5,000 रुपये एंड इंट्राडे बैलेंस हमारा 25,000 रुपये। तो मैंने क्या किया है कि इस डीमैट अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये ऐड किया है। अब 5,000 हम ऐड करते हैं तो क्या होता है कि इंट्राडे में हमें 5 गुना लिमिट मिल जाती है, यानी मार्जिन मिल जाता है कंपनी की तरफ से कि 5,000 रुपये लगा के 25,000 रुपये तक की ट्रेडिंग मैं इंट्राडे में कर सकता हूँ। तो इसने थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए फ्रंट में ही हमें बता दिया है कि 25,000 रुपये आपके पास इंट्राडे में बैलेंस है, ताकि लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्शन लगे। हालांकि जो अदर कंपनीज भी होती हैं, एंजल वन की बात करें, जीरोधा हो गया, आईएफएल सिक्योरिटीज हो गया, सभी जगह आपको इंट्राडे में 5 गुना मार्जिन मिल जाता है। तो यहाँ पर भी कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने फ्रंट में बता दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एफ एंड ओ में अगर हमें ट्रेड करना है तो एफ एंड ओ वाले सेक्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर। अगर हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो हम आईपीओ पर क्लिक करेंगे। रेफर एंड अर्न का ऑप्शन आ रहा है तो आप रेफर एंड अर्न करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। यहाँ से किसी को आपने रेफर कर दिया तो उसका भी कुछ ही पैसा देते हैं। अब देखिए डीमैट अकाउंट ओपनिंग के बाद सबसे पहला हमारा जो काम होता है उसमें फंड ऐड करने का होता है। तो फंड ऐड करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर आना है, जो वॉलेट बैलेंस लिखा हुआ इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो ऐड लिखा हुआ है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वॉलेट बैलेंस पर। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, ऐड मनी का एंड विड्रॉल मनी का। तो अगर आपको पैसा ऐड करना है तो ऐड मनी पर क्लिक करेंगे, और आपको विड्रॉल करना है तो विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप ऐड मनी पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अमाउंट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना अमाउंट आपको ऐड करना है। एंड यहाँ पर नीचे हमें पेमेंट मोड भी मिल जाता है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई के द्वारा आप फोन पे, गूगल पे या जो भी एप्लीकेशन आप यूपीआई का यूज़ करते हैं उससे आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, मतलब सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। बस ध्यान इस चीज़ का रखना कि जो भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किया है, मतलब जो भी बैंक अकाउंट आपने रजिस्टर्ड किया है आईएनडी मनी से डीमैट अकाउंट ओपन करते समय, उसी बैंक अकाउंट से आपको पैसा सिर्फ इसमें ट्रांसफर करना है, किसी अदर दूसरे बैंक अकाउंट से आपको नहीं करना है, भले वो बैंक अकाउंट आपके नाम से क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप अनरजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से पैसा ऐड करेंगे तो पैसा आपका ऐड नहीं होगा और पैसा आपका फंस जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो चलिए अपन बैक करते हैं, बैक करके वापस से अपन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आते हैं।
यहाँ पर देखिए वॉच लिस्ट का ऑप्शन आता हमारे सामने, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने पसंदीदा शेयर्स की एक लिस्ट बना सकते हैं कि जो भी शेयर्स हमें पसंद हैं उनको हम लिस्ट में पहले से ऐड करके रख सकते हैं, ताकि हमें उनको बार बार सर्च ना करना पड़े, उनको बार बार ना ढूंढना पड़े। यहाँ पर काफ़ी सारी वॉच लिस्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं और अलग अलग उन शेयर्स को रख सकते हैं। अब हम क्लिक करते हैं इस वाले ऑप्शन पर, एक्सप्लोर पर। अब देखिए एक्सप्लोर पर हमने क्लिक किया तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि निफ्टी 50 आ रहा है, सेंसेक्स आ रहा है, और निकालेंगे तो बैंक निफ्टी आ रहा है, निफ्टी 100 आ रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि निफ्टी 50 क्या होता है एंड सेंसेक्स क्या होता है। तो देखिए निफ्टी 50 जो होता है वो मार्केट में लिस्टेड टॉप की 50 कंपनियों का इंडेक्स है। बेसिकली एक्सचेंज की बात की जाए तो दो प्रकार के एक्सचेंज हैं हमारे मार्केट में, एक है NSE जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है BSE जिसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE में जो लिस्टेड टॉप की 50 कंपनीज हैं उन कंपनियों का इंडेक्स है निफ्टी 50, और सेंसेक्स की बात की जाए तो BSE के अंदर लिस्टेड टॉप की जो 30 कंपनीज हैं उनका इंडेक्स है आपका सेंसेक्स। ऐसे ही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी बैंकों का इंडेक्स है, मतलब NSE में लिस्टेड कुछ बैंक्स लिए गए हैं उनको मिला के एक इंडेक्स बना दिया गया जिसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी 100 की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप की 100 कंपनीज हैं NSE में लिस्टेड, देखो निफ्टी जहां शब्द यूज होना तो समझ लीजिए NSE की बात हो रही है, NSE एक्सचेंज की बात हो रही है। तो निफ्टी 100 में क्या आता है कि NSE में लिस्टेड टॉप की जो 100 कंपनीज हैं उन कंपनीज का एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम दिया गया निफ्टी 100। ऐसी निफ्टी IT है तो निफ्टी IT में क्या है, NSE में लिस्टेड IT कंपनियों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम दिया गया निफ्टी IT। ऐसी निफ्टी फार्मा, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे इंडेक्स अवेलेबल है मार्केट में। बाकी जो मेन इंडेक्स है मैं देखने वाले वो है हमारा निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। अब चूंकि जो निफ्टी 50 के अंदर कंपनीज आती हैं और सेंसेक्स के अंदर कंपनीज आती हैं, मार्केट की टॉप की कंपनीज हैं, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप की कंपनीज हैं, इसलिए इन कंपनीज का वेटेज मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो अगर इन कंपनीज में कुछ मूवमेंट होता है, जैसे मान लो निफ्टी 50 नीचे जाता है, निफ्टी 50 नीचे जाने का मतलब है कि जो 50 कंपनियाँ इसके अंदर लिस्टेड हैं वो 50 कंपनियाँ नीचे जा रही हैं, तो अगर 50 कंपनियाँ नीचे जाएंगी तो समझ लीजिए मार्केट पूरा नीचे जाएगा, क्योंकि जो कंपनीज हैं ये अपने अपने सेक्टर में लीडर्स कंपनी है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा है मार्केट में। जैसे आज के दिन की बात की जाए तो आज के दिन आप देखो इस सेंसेक्स लगभग गिरा है 440 पॉइंट, और बात करें हम निफ्टी 50 की तो 155 पॉइंट के आसपास माइनस में चल रही है। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, ठीक है, तो परसेंटेज वाइज में देखिए 0.64% के आसपास निफ्टी 50 माइनस में और 0.56% के आसपास सेंसेक्स माइनस में, मतलब परसेंटेज वाइज लगभग लगभग सेम है। ठीक है, तो अगर आपको मार्केट देखना है कि मार्केट आज प्लस में या फिर माइनस में, तो आप सेंसेक्स या फिर निफ्टी को देख के पता कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ऊपर जो सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके आप शेयर्स को सर्च कर सकते हैं, जिस भी शेयर में आपको ट्रेड करना है, जिस भी स्टॉक को आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर ICICI बैंक को। देखिए फर्स्ट नंबर पर हमारे सामने ICICI बैंक आ गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर स्टॉक की डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि सबसे पहले नंबर पर हमें रेट पता चल जाता है 1271 रुपये के आसपास अभी ICICI बैंक का रेट चल रहा है। अब देखो जो भी ये रेट हमें दिखता है ना, ये इसके एक शेयर की कीमत होती है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो रेट हमें दिख रहा है ये रेट किस प्रकार से, तो जिस भी कंपनी का आपको रेट दिखेगा, भले ICICI बैंक हो या टाटा मोटर हो या कोई भी कंपनी हो, तो उसका जो रेट आपको दिखेगा ना वो उसके एक शेयर की कीमत होगी। कि जैसे अगर बात की जाए ICICI बैंक का रेट अभी 1271 रुपये चल रहा है, तो अगर आप ICICI बैंक को खरीदना चाहते हो तो मिनिमम आपको एक शेयर तो खरीदना पड़ेगा, और एक शेयर कितने का 1271 रुपये का है, तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1271 रुपये हो गया ICICI बैंक के अंदर। कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं मार्केट में जिनके शेयर का प्राइस मात्र 1 रुपये है, और कुछ कंपनी ऐसी भी है जिनके शेयर का प्राइस 50,000 या फिर 1,00,000 रुपये भी है। सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का रेट है मार्केट में वो है आपका MRF, जिसका रेट मार्केट में 1,30,000 रुपये के आसपास चल रहा है एक शेयर की कीमत। मतलब MRF में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम आपके पास 1,30,000 रुपये होने चाहिए। तो अगर बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आपका शेयर प्राइस के ऊपर, किस कंपनी का रेट कितना चल रहा है, और उसी हिसाब से आप क्वांटिटी खरीद सकते हैं। जैसे मान लो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है ICICI बैंक के अंदर, तो आप 2 शेयर्स ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 50 ले लेंगे, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। और हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखो वन डे का लो लिखा हुआ है, मतलब आज के दिन अधिकतम नीचे कितना गया है ICICI बैंक, तो 1259.75 पैसे के आसपास इसने आज का लो है, और हाई की बात करें तो 1284.90 पैसे का इसका आज का हाई है। और बात करें अगर हम इसके मार्केट कैप की, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ICICI बैंक का, तो देखो हमारे सामने लिखा हुआ है कितना, 8,87,266 करोड़ रुपए है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। और नीचे देखिए हमें ICICI बैंक का चार्ट भी दिख रहा है, इसकी हेल्प से हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि ICICI बैंक ने आज किस प्रकार से परफॉर्मेंस दी है। एंड अगर हमें इसको बाय करना है तो देखिए नीचे हमारे सामने बाय और सेल के ऑप्शंस आ रहे हैं,
एक अलग से ऑप्शंस भी आ रहा है SIP का, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि SIP का ऑप्शन क्या है, SIP एक्चुअल में क्या होती है। तो फिलहाल आप बायो सेल को समझिए, बायो के ऑप्शन पर हम क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं और सेल के ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको सेल कर सकते हैं। और हम नीचे आएंगे तो हमें स्टॉक के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ICICI बैंक के बारे में कि इसने कितना रिटर्न्स दिया है पिछले कुछ दिनों में, और इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं अदर बैंकों के मुकाबले इसने कितना रिटर्न दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारा डेटा आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार इस डेटा पर नज़र जरूर मार लीजिए, तो आपको थोड़ा बहुत ओवर एक आइडिया मिल जाए कि जिस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ वो स्टॉक किस प्रकार से है। ठीक है, तो अपन सीधा बाय के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखो हमारे सामने बाइंग विंडो ओपन हो गई है। अब सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे तो हमें शेयर का रेट दिख रहा है, इसके अलावा ऊपर आप देखेंगे तो NSE एंड BSE भी लिखा हुआ है। तो हम जिस पर भी चाहें उस पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि NSE और BSE दो एक्सचेंज हैं। अब काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो NSE में भी लिस्टेड हैं और BSE में भी लिस्टेड हैं। और टॉप की कंपनीज की बात की जाए तो जो टॉप की कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो दोनों जगह लिस्टेड है, NSE में भी लिस्टेड है और BSE में भी लिस्टेड है। जैसे ICICI बैंक की बात की जाए तो ICICI बैंक आपका NSE में भी लिस्टेड है एंड BSE में भी लिस्टेड है। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ BSE पर तो BSE में रेट देखो कितना चल रहा है, 1271 रुपये। और NSE पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर भी 1271 रुपये के आसपास ही रेट चल रहा है इसका, मतलब कुछ 10-20 पैसे का फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो NSE और BSE को लेकर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, दोनों में से जिस पर भी चाहें उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। अब नीचे हम आएंगे तो देखो हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा इन्वेस्टमेंट का और एक आएगा हमारे सामने इंट्राडे का। इन्वेस्टमेंट को हम एज ए डिलीवरी भी बोल सकते हैं, अगर हम डिलीवरी में कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नाम से उन्होंने दे दिया है, तो इन्वेस्टमेंट पर हम क्लिक करके उसको बाय कर सकते हैं। और इंट्राडे में जैसा कि मैंने बताया था कि 5 गुना हमें मार्जिन मिल जाता है, तो इसके सामने देखिए 5x भी लिखा हुआ है कि हमारे डीमैट में अगर मान लो 5000 रुपये हैं तो हम 5000 के ब्याज पर 25000 रुपये तक के शेयर्स इंट्राडे में खरीद सकते हैं। बट इंट्राडे की कंडीशन ये होती है कि अगर आपने आज खरीदा है तो आज के आज ही आपको बेचना है। बेसिकली जो मार्केट की टाइमिंग होती है इक्विटी मार्केट की, वो होती मॉर्निंग में 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक। तो अगर आप इंट्राडे में कोई शेयर खरीद रहे हैं ना तो आपको मार्केट क्लोज होने से पहले पहले उसको बेचना है। और इंट्राडे में क्या होता है कि 15 मिनट पहले ही हमें हमारे शेयर को बेचना पड़ता है। जैसे मान लो 3:30 पर मार्केट क्लोज हो रहा है, लेकिन हमें 3:15 पे ही अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। अगर हम उस पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हैं, मतलब उसको हम बेचते नहीं हैं, तो कंपनी की तरफ से जो भी हमारा ब्रोकरेज फर्म है INDMoney मनी उसकी तरफ से हमारे शेयर को बेच दिया जाएगा। और बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में फिर कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, क्योंकि आपने पूरा पैसा अपना इन्वेस्ट किया, मतलब कि जो भी शेयर की वैल्यू थी उतना पूरा पैसा आपने दिया हुआ है, कोई मार्जिन वगैरह नहीं लिया हुआ है। तो शेयर के मालिक आप हो, आप उसको जब तक चाहें तब तक होल्ड करके रख सकते हैं, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, जब तक आपको होल्ड करके रखना है तब तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। तो अपन चलिए यहाँ पर इंट्राडे पर क्लिक कर लेते हैं। इंट्राडे पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए क्वांटिटी पूछ रहा हमसे, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि हम कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 20 शेयर्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे ऑर्डर वैल्यू आ रही है हमारे सामने, ऑर्डर वैल्यू 25000 से ज़्यादा पहुँच चुकी है। हमारे पास लिमिट कहाँ तक है, 25000 रुपये तक की, मतलब 25000 रुपये तक तो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है खरीदने के लिए, लेकिन जो हमने क्वांटिटी डाली है वो 25000 से भी ज़्यादा की वैल्यू की पहुँच गई है। तो क्या करेंगे, हम क्वांटिटी को कम कर देंगे, तो मैं यहाँ पर 20 की जगह 18 क्वांटिटी कर देता हूँ। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है लिमिट ऑर्डर का। तो लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अभी लिमिट पर अनटिक है, इसको मैं अनटिक रहने दूंगा तो क्या होगा, अगर प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो जो भी अभी करंट रेट चल रहा है मार्केट में इसी करंट रेट से मेरा शेयर खरीदा जाएगा। लेकिन अगर मैं क्लिक करता हूँ लिमिट ऑर्डर पर, तो लिमिट ऑर्डर में क्या होगा कि मैं यहाँ पर अपना पसंदीदा प्राइस डाल सकता हूँ कि मान लो मुझे लगता है कि 1271 रुपये जो भी करंट में रेट चल रहा है इस रेट से मुझे नहीं खरीदना है, मैं अपना बिड लगाना चाहता हूँ 1260 रुपये का, कि जब मार्केट में इसका रेट 1260 रुपये आए तो वहाँ से ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, 1260 रुपये का अपन एक बिड लगा देंगे, इसको लिमिट प्राइस सेट करना भी बोलते हैं और इसको बिड लगाना भी बोलते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अपन यहाँ पर एक प्राइस सेट कर देते हैं, जैसे मान लो 1260 का हमने सेट कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही हम बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो शेयर है करंट रेट से बाय नहीं होगा, 1260 रुपये पर हमारे ऑर्डर पेंडिंग हो जाएगा। जब भी मार्केट में रेट इसका आता है 1260 रुपये तो वहाँ से ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड इसके बाद आते हैं हम नीचे, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एड टारगेट और एड स्टॉप लॉस, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम टारगेट भी सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं। दोनों में से कुछ एक चाहें तो एक सेट कर सकते हैं और दोनों चाहें तो हम दोनों भी सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दोनों सेट कर देता हूँ। जैसे 1260 रुपये से अपन खरीद रहे हैं तो स्टॉप लॉस अपन लगा देते हैं 1250 रुपये का और टारगेट अपन डाल देते हैं 1290 रुपये का, तो इसको भी अपन सेट कर देते हैं। अब देखिए जैसे मैंने सेट किया तो जो लिमिट ऑर्डर है जो टिक किया था अपन ने वो अनटिक हो गया ऑटोमेटिकली। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, अपन 1260 डाल देते हैं
तो देखो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारा हट गया। तो मतलब ये बोल रहा है कि आप अगर टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आपको करंट रेट से बाय करना पड़ेगा, और अगर आप लिमिट प्राइस डालना चाहते हैं तो लिमिट प्राइस के साथ आप टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दो बार में समझा दूंगा। फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, अपन लिमिट ऑर्डर लगाते हैं 1260 रुपए का, और अपन कोई टारगेट और कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते, अपन सीधा इसको प्लेस करते हैं ऑर्डर को। देखिए लिख के आ गया इंट्राडे बाय ऑर्डर पेंडिंग, हमारा इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करके यहाँ पर हमें आना है ऑर्डर्स में, जो वॉच लिस्ट के बगल में ऑर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है ना, हमें इस पर क्लिक करना है। तो ऑर्डर्स में देखिए इंट्राडे पर क्लिक है ऑलरेडी, और हमारा जो ऑर्डर है वो भी पेंडिंग आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बाय ऑर्डर पेंडिंग, रेट अपन ने दिया कितने का 1260 रुपये का, और अभी 1260 रुपये इसका मार्केट में रेट नहीं है, जब आएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से बाय हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके देखिए हम ऑर्डर को अपने मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि हमें अगर इस ऑर्डर के अंदर कुछ चेंजेस करने तो हमें यहाँ पे क्लिक करके इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमें क्वांटिटी घटाना है या फिर बढ़ाना है, लिमिट प्राइस की जगह हमें अगर मार्केट प्राइस सेट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो लिमिट प्राइस अपन ने डाला हुआ था उसको अपन चेंज कर देते हैं। अभी 1272 रुपये चल रहा है तो अपन इसके नज़दीक का डाल देते हैं ताकि अपना ऑर्डर जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए मार्केट में। तो अपन कर देते हैं 1272 रुपये डाल देते हैं, ठीक है, जो कि वे नज़दीक का है। इसको अपन मॉडिफाई करते हैं ऑर्डर को। तो देखो अब हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। हम बैक आएंगे, बैक करके देखिए माय स्टॉक्स का यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, तो हम बाय होने के बाद हमें शो करेगा यहाँ पर माय स्टॉक्स के अंदर, और यहाँ पर हम अपनी लाइव पोजिशन को ट्रैक कर सकते हैं कि जो भी हमने बाय किया है तो उस हिसाब से क्या हमें प्रॉफिट चल रहा है या फिर क्या हमें नुकसान चल रहा है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है ICICI बैंक हमारा बाय हुआ कितने से 1271.95 से हमारा बाय हुआ है, और करेंट में जो भी रेट चल रहा है 1271.95 के आसपास ही चल रहा है। तो उस हिसाब से जो भी करेंट में हमें प्रॉफिट या फिर लॉस होगा ना वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको स्टॉक्स बाय करना है आईएनडी मनी के अंदर। अब देखो मैंने 18 क्वांटिटी बाय की थी, सबका अपना अपना होता है कि भाई कौन कितना इन्वेस्ट कर सकता है। मैंने समझाने के लिए बताने के लिए सिर्फ आपको 18 क्वांटिटी का एग्जाम्पल दिया है। हालांकि अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप एक रिस्पेक्टेड प्रॉफिट या फिर लॉस के लिए काम करेंगे, तो ऑब्वियसली कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में काम करेंगे। 18 क्वांटिटी की जगह अगर हमने मान लो 100 क्वांटिटी सेलेक्ट की होती तो मैं उस हिसाब से प्रॉफिट या फिर लॉस देख रहा होता। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो गेम होता है वो इन्वेस्टमेंट का होता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा मार्केट में। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है प्रॉफिट करने की, बट एट द सेम टाइम आपकी रिस्क भी ज़्यादा रहेगी कि आपको लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। तो बस इस प्रकार से आपको बाय करना है, बाय करने के बाद आपको वेट करना है जो भी टारगेट आप लेके चल रहे हैं मन में, जो भी आपने सोचा है कि जैसे मान लो 1271 रुपये से मैंने बाय किया है, मैं चाहता हूँ जब इसका रेट आ जाएगा 1290 रुपये तब मैं इसको बेच दूंगा, तो मैं वेट करूंगा उस रेट का, जब वो रेट आ जाएगा तो वहां से उसको मैं बेच दूंगा। अब देखो अपन ने इसमें कोई टारगेट और कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अपन ने एक सिंपल पोजीशन बाय की है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बाय करने के बाद भी अगर आप टारगेट या फिर स्टॉप लॉस लगाना चाहते तो आप कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसी पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने नीचे ऑप्शन आता है एग्जिट पोजीशन का, हम एग्जिट पोजीशन पर क्लिक करेंगे। अब देखो अगर आपको इसके अंदर टारगेट लगाना है तो टारगेट लगाना बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ पर लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट कर देना है। लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करके जितने का भी आप टारगेट लगाना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं लगाना चाहता हूँ 1290 रुपये का, तो 1290 डाल देंगे और इसको सेट कर देंगे और प्लेस सेल ऑर्डर कर देंगे। तो देखो आपका जो टारगेट है वो आपका पेंडिंग हो चुका है। हम चलेंगे आप ऑर्डर्स के अंदर, तो सेल के लिए हमारा ऑर्डर एक पेंडिंग होगा कितने पर 1290 रुपये पर। जब भी इसका रेट 1290 रुपये आएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से सेल हो जाएगा और हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर इस ऑर्डर में भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड अगर मान लो आपको इस ऑर्डर को कैंसिल करना, आप टारगेट अपना हटाना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक करके आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब देखो अपना कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, अपन ने सिर्फ एक ही ऑर्डर लगाया बाइंग का जो कि अपना एग्जीक्यूट हो चुका है। वापस से चलेंगे अपन माई स्टॉक्स के अंदर और जो भी अपनी पोजीशन है इसको अपन देखते हैं। अब वापस से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेट स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस, तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ से हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और टारगेट भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो बाय करते समय हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया, बाय करने के बाद हम इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों चीज़ें लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके दोनों चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे कि अभी 1271 रुपये रेट चल रहा है तो 1250 रुपये का मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और 1290 रुपये का मैं टारगेट लगा देता हूँ। तो इसको अपन ने डन कर दिया, डन करके अपन इसको बैक कर दें। बैक करके जाएंगे अपन वापस से ऑर्डर्स के अंदर, तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर पेंडिंग में नहीं दिख रहा है, वापस से माई स्टॉक्स में चलते हैं और इसी के ऊपर वापस से क्लिक करते हैं एंड हम ऐड नाउ पर क्लिक करेंगे। वापस से हम डालते, हो सकता कुछ प्रॉब्लम कुछ इरर हो गई हो। तो 1250 रुपये मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है और टारगेट अपन लगा देते हैं 1290 रुपये का, नहीं सॉरी एक्चुअली अपना जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी लग चुका था। देखो यहाँ पर बोल रहा है कैंसिल ओपन ऑर्डर एंड प्रोसीड, मतलब ये बोल रहा है कि इस ऑर्डर को लगाने के लिए पुराना वाला ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहेंगे उसके बाद कर पाएंगे। तो बैक करते हैं, हमारा ऑर्डर एक्चुअली लग चुका है। अब देखो जो भी आपने टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया है ना ये आपको नॉर्मल ऑर्डर में नहीं देखेगा, आपको यहाँ पर GTT पर क्लिक करना पड़ेगा।
देखो जीटीडी पर हमने क्लिक किया तो हमारा टारगेट और स्टॉल दोनों चीजें हमारे सामने आ गई हैं। तो आप समझिए एक्चुअल में हुआ क्या हुआ है कि जब आप टारगेट या फिर स्टॉप लॉस लगाने जाएंगे तो आपका नॉर्मल ऑर्डर नहीं लगाएगा, आपका जीटीटी के द्वारा लगाएगा। जीटीटी का फुल फॉर्म होता है गुड टिल टिगर। हालांकि जो अदर स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनमें जीटीटी का ऑप्शन अलग से दिया होता है, तो जीटीटी पर अलग से क्लिक करके हम टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसने उसी के अंदर कर दिया, मतलब कि हमने जैसे ही क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसने जीटीटी के फॉर्म में ले लिया उस ऑर्डर को। तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम होना चाहिए अल्टीमेट, हमें टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना हमारा मकसद था, तो टारगेट स्टॉप लॉस हमारा लग रहा है, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप जीटीटी में लगाओ या किसी भी चीज में लगाओ। और जीटीटी की खासियत यह होती है कि आप इंट्राडे में भी टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और अगर आप डिलीवरी में कोई ट्रेड आपने लिया है तो डिलीवरी में भी आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि आपके जो ऑर्डर्स हैं इनकी वैलिडिटी एक साल की होती है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है वैलिड टिल 22 अक्टूबर 2025, मतलब 2025 तक आपके ऑर्डर वैलिड रहेंगे। तो अगर आप डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं, मान लो इसे आईसीआईसी बैंक को मैंने अभी इंट्राडे में खरीदा है, आपने इंट्राडे में नहीं खरीदा होता, आपने इसको डिलीवरी में खरीदा होता, और डिलीवरी में खरीदने के बाद आप इसमें टारगेट या फिर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो आप इस ऑर्डर की हेल्प से जिस तरीके से मैंने लगाया सेम इसी तरीके से आप डिलीवरी के अंदर भी टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उससे होगा क्या, जैसे मान लो आज के दिन आपने बाय किया और आपने टारगेट और स्टॉप लॉस एक सेट कर दिया, तो आज से एक महीने बाद भी अगर आपका रेट आता है मार्केट में, तो एक महीने बाद भी आपका ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा। आपको मार्केट वॉच करने की जरूरत नहीं है कि कब मैं इसका रेट आता है और कब मैं इसको सेल करूं, आप बस उसमें डाल के छोड़ दीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस, तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देन इसमें भी अपन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके अगर हमें इसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते, और अगर हमें इसको कैंसिल करना है तो हम इस पर क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं क्या करता हूं, इसको कैंसिल कर देता हूं। तो देखिए अपना जो जीटीटी ऑर्डर है अपना अब कैंसिल हो चुका है, मतलब कि अब सेल के लिए कोई ऑर्डर नहीं लगा है, सिर्फ अपनी पोजीशन बनी हुई है। तो अपन वापस से चलेंगे माई स्टॉक्स के अंदर। अब देखिए हमारी जो यहाँ पर पोजीशन है इसमें ना तो कोई टारगेट है ना ही कोई स्टॉप लॉस है, एक नॉर्मल पोजीशन है, और हमने सोच के रखा है कि जब इसका रेट आएगा मार्केट में, मैं वॉच कर रहा हूँ मार्केट को, तो उसी समय मैं इसको बेच दूंगा। तो डायरेक्ट अगर आप इसको करंट रेट से बेचना चाहते हैं तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करके नीचे यहाँ पर एग्जिट पोजीशन पर आप क्लिक करेंगे, और आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखो ऑलरेडी मार्केट पर सेलेक्ट है, मतलब कि लिमिट पर अगर अनटेक है इसका मतलब है कि मार्केट ऑर्डर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो सिर्फ हमें प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करना है और इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो देखो हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली सेल हो चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे इस पोजीशन के अंदर जो हमें टोटल लॉस हुआ है वो 16 रुपए का लॉस हुआ है। हालांकि ये जो लॉस 16 रुपए 20 पैसे हुआ है हमारा नेट लॉस नहीं है, इसके अंदर कंपनी के चार्जेस भी लेंगे, जो बाइंग और सेलिंग के चार्जेस होते हैं उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह हो गए, कितने आपके चार्जेस लगते हैं। तो वो सारे चार्जेस कटने के बाद जो पैसा मेरे डीमैट में बचेगा वो मेरा नेट अमाउंट होगा, और बाकी का जो पैसा रहेगा वो मेरा नेट लॉस होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था आईएनडी मनी के अंदर, अगर आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो बाय करने से लेके सेल करने तक का। अब वापस से अपन सर्च बार में चलेंगे और किसी और स्टॉक को सर्च करते हैं, तो इस बार अपन ले लेते हैं HDFC बैंक को। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर आ गया हमारे सामने HDFC बैंक, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम बाय के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट आ रहा है, तो ये भी आपका जीटीटी के फॉर्म में ही लगेगा आपका। तो मतलब जिस प्रकार से मैंने अभी बताया ना कि आपका पोजीशन बाय हो जाएगी उसके बाद आपको जीटीटी में जाना पड़ेगा पेंडिंग में, तो वहां पर आपके जो ऑर्डर्स हैं टारगेट और स्टॉप लॉस के वो आपको वहां पर पेंडिंग दिखेंगे। तो अब इस एब्लिशन की मुझे काफी बढ़िया चीज लगी है कि ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको मल्टीपल ऑर्डर्स देके, इसने बहुत सिंपल अपना इंटरफेस रखा हुआ है कि आप सीधा बाय करो, आपको टारगेट लगाना आप टारगेट लगाओ, आपको स्टॉप लॉस लगाना आप स्टॉप लॉस लगाओ, जो आपको लगाना आप वो कर सकते हैं, और काफी सिंपलिस्टिक तरीके से। अब अपन इसको बैक करते हैं, और बैक करके देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर SIP का, जो कि काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है मेरे हिसाब से, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखो SIP में बेसिकली क्या होता है कि आप स्टॉक के अंदर एक SIP शुरू कर सकते हैं। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हर महीने रेगुलर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इंटर SIP क्वांटिटी, तो मतलब यहाँ पर आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि हर महीने आपको कितनी क्वांटिटी HDFC बैंक की बाय करनी है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। उसका नीचे हम आएंगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू टू सेलेक्ट डेट, इस पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर देना है कि महीने की कौन सी तारीख को हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखो वीकली का भी ऑप्शन आता हमारे सामने, डेली का भी ऑप्शन आता, कि अगर हम हर वीक कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हैं HDFC बैंक के तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, मंथली आप करना चाहते हैं, डेली करना चाहते हैं तो आप डेली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मंथली पर क्लिक कर देता हूं मैं, और हर महीने की 25 तारीख पर डाल देते हैं। अब इसको अपन कंटिन्यू करेंगे तो देखो यहाँ पर नीचे फोनपे का ऑप्शन आ रहा है और नीचे लिखा हुआ है सेट अप नाउ, तो क्या होगा हमारा एक मैंडेट क्रिएट हो जाएगा, हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से एक सर्टेन पैसा कटेगा और वो HDFC बैंक के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। HDFC बैंक की जो भी वैल्यू रहेगी उस समय
और जो भी हमने क्वांटिटी सेलेक्ट की है, जैसे अभी देखा जाए तो HDFC बैंक के एक शेयर की कीमत चल रही 1720 रुपए। तो अगर हमने एक क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी डाली हुई है कि हर महीने एक क्वांटिटी बाय हो, तो एक क्वांटिटी का जो पैसा रहेगा हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगा और इन्वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर, जिसको आप ट्रैक कर पाए कहाँ पर, माई स्टॉक्स के अंदर जाके। तो ये था पूरा बाय और सेल का प्रोसेस INDMoney मनी का। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है ऊपर आल ब्रोकर्स करके, यहाँ पर ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आल ब्रोकर्स में क्या होता है कि यहाँ पर ऑप्शन है चेक पोर्टफोलियो का। अब INDMoney मनी क्या है, बाकी अदर मोबाइल एप्लीकेशन के मुकाबले काफी एडवांस एप्लीकेशन है। ये क्या करता है, जैसे आपका सिविल स्कोर फैच होता है ना, कि सिविल स्कोर में क्या होता है कि आपका सब चीजें आ जाती हैं, कितने क्रेडिट कार्ड्स आप यूज कर रहे हैं, कितना लोन है आपके ऊपर, कितनी EMI आपकी मंथली जा रही, सारा डेटा आ जाता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाता है। चेक पोर्टफोलियो पर आप क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी डीमैट अकाउंट है उन सबका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा कि आपके कितने डीमैट अकाउंट है और उसमें कितना पैसा आपका इन्वेस्टेड है। ऐसे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नीचे डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आके, तो ये क्या करेगा कि आपका सारा डिटेल बता देगा कि कितना आपके ऊपर लोन चल रहा है, कितना आपने लोन भर दिया है, कितना और बाकी है, सारा डिटेल यहाँ पर बता देता है। तो बस ये चीज़ मुझे थोड़ी सी इसकी खराब लगी कि जरूरत से ज़्यादा हमारी डिटेल फेच कर ले रहा है, कि हम नहीं चाहते कि हर एप्लीकेशन हमारे बारे में डिटेल जाने, जैसे कि हमारा कितना लोन चल रहा है या कितनी EMI चल रही है या कौन कौन से डीमैट अकाउंट में हमारा कितना पैसा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा परमिशन मत देना, जितनी आपको नीड है, जितने आपको ट्रेडिंग करना है सिर्फ उतनी परमिशन ही आप इसको देना। अब देखिए यहाँ पर नीचे हम आएंगे तो INDMoney स्टॉक्स करके लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो स्टॉक्स में अभी जो कुछ मैंने बताया आपके लिए उसी वाले पूरे प्रोफाइल में आप चले जाएंगे। उसके नीचे US स्टॉक्स करके लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो US स्टॉक का जो प्रोफाइल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, मतलब US स्टॉक की जो कंपनीज हैं उनका डिटेल आपके सामने आ जाएगा। एंड नीचे लिखा हुआ म्यूचुअल फंड्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको SIP करनी है तो SIP कर सकते हैं, वन टाइम करना वन टाइम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वन टाइम, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो फंड्स हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने आ गई है, जैसे इंडेक्स फंड है, लार्ज कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। तो जिस भी टाइप के हम फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम स्मॉल कैप पर क्लिक कर देंगे तो स्मॉल कैप वाले जितने भी फंड्स हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। फर्स्ट नंबर पर आ रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें अमाउंट सेलेक्ट करना, कितना अमाउंट हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या हमें SIP करनी है तो हम SIP पर क्लिक करेंगे और अपनी SIP यहाँ से शुरू कर सकते हैं। एंड अगर आपको म्यूचुअल फंड एंड SIP के बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा, तो म्यूचुअल फंड SIP को भी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसका थंबनेल अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके उन वीडियोस को आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप देख लेंगे तो SIP और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी हैं सब आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बैक करते हैं, वापस से होम स्क्रीन पर आ गए। अब होम स्क्रीन पर हम आ गए तो देखो यहाँ पर वॉलेट बैलेंस हमारा कुछ कम दिख रहा है, 5000 था पहले, उस 5000 में से कुछ कम हो गया है। अभी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है हमारा, इस चीज़ को ध्यान रखना, आप सोचो कि बाकी का जो पैसा है लगभग 52 रुपीज़ के आसपास वो हमारा लॉस हो गया है, तो ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट अमाउंट आपको सेकेंड डे पता चलेगा, सेकेंड डे जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस होगा वो आपका एग्जैक्ट बैलेंस होगा, बाकी का आपका लॉस होगा। अभी आज ही अपन ने ट्रेड किया, तुरंत के तुरंत सेटल नहीं होता, एक सेटलमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको प्रॉपर अमाउंट शो होगा। तो मॉर्निंग में दूसरे दिन अपन देखेंगे 9 बजे तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया बाइंग सेलिंग से संबंधित, और एप्लीकेशन को भी आपने समझ लिया होगा किस प्रकार से एप्लीकेशन है। हालांकि मैं INDMoney को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही कोई ये प्रमोशनल वीडियो है, मैं सिर्फ इंटरफेस बताने के लिए कि INDMoney में अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं ट्रेड करने का या डीमैट अकाउंट ओपन करवाने का, तो किस प्रकार से एप्लीकेशन है, किस प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और आप देखना चाहते हैं पहले उसको फील करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है। या फिर मान लो आपका ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है INDMoney में बट आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है, तो ट्रेडिंग कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब हम समझते हैं चार्जेस के बारे में कि INDMoney में कौन कौन से चार्जेस लगते हैं और कितने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने INDMoney की जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्राइसिंग की, उसको मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि अकाउंट ओपनिंग फीस तो कुछ भी नहीं है, मतलब अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई पैसा नहीं देना आपके लिए, ना ही कोई AMC है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है वो भी आपका 0 है। इसके अलावा बात करेंगे हम इक्विटी ब्रोकरेज की। इक्विटी में क्या होता है, 2 टाइप से होता है, एक तो F&O होता है और एक होता है आपका नॉर्मल कैश, जो कि अपन ने अभी ट्रेड किया है, कि नॉर्मल अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आपकी ब्रोकरेज अलग होगी, और आप F&O में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर ब्रोकरेज आपकी अलग होगी। तो अपन ने अभी नॉर्मल शेयर्स में काम किया है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ब्रोकरेज 0.05% एंड 20 रुपीज़, मतलब जो भी हमने ट्रेड किया, जो भी हमारी वैल्यू हुई है, मान लो हमने 1,00,000 का ट्रेड किया है तो 1,00,000 का 0.05% होता है 50 रुपये, और दूसरी तरफ है 20 रुपीज़, तो दोनों में से जो भी कम होगा ना वो हमारा चार्ज किया जाएगा। तो दोनों में से कम कौन, 20 रुपये। तो 1,00,000 का अगर हमने ट्रेड किया वैल्यू का
तुम्हारा 20 रुपये ओनली ब्रोकरेज चार्ज लेगा। और अगर मान लो 10,000 की वैल्यू का ही हमने ट्रेड किया सिर्फ, जैसे कि अभी मैंने अपन ने जो ट्रेड किया था वो लगभग 20,000 की वैल्यू थी उसकी, तो 20,000 का अपन 0.05% निकालें तो होता है 10 रुपये। और दूसरी तरफ क्या है 20 रुपये, तो दोनों में से कम क्या है 10 रुपये। तो अपन ने जो भी ट्रेड किया है इसमें 10 रुपये लगे हमारे खरीदने के और 10 रुपये लगे बेचने के। ध्यान रखना बाय करते समय भी ब्रोकरेज लगती है और सेल करते समय भी ब्रोकरेज लगती है, दोनों कंडीशन में ब्रोकरेज चार्ज की जाती है। और इसके अलावा नीचे हम आएंगे तो F&O जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है, फ्लैट है यहाँ पर, 20 रुपये पर ऑर्डर है, भले ही आप 1,000 रुपये के खरीदो या फिर आप 1,00,000 रुपये का खरीदो। एंड इसके अलावा हम नीचे आएंगे तो एक्सचेंज के चार्जेस होते हैं एंड जो अदर GST वगैरह होता है गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो सब हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज नहीं की जाती, ब्रोकरेज के अलावा भी काफ़ी सारे हमारे चार्जेस होते हैं जो हमें पे करने होते हैं, और इन सभी चार्जेस की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे आपको चेक करना है STD कितना लगता है तो STD की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगती है, सेवी चार्जेस कितने लगते हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और चार्जेस का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कौन सा चार्जेस किस चीज़ पर कितना लग रहा है, वो भी आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये हो गया चार्जेस के बारे में डिटेल। तो मैंने आपको देखो बाइंग सेलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी कि आपको बाय करके कैसे सेल करना है, लाइव मार्केट में आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के दिखा दिया है, आपको चार्जेस के बारे में भी बता दिया है। अब कुछ अगर ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, कुछ आपके क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है तो आप मुझे उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अपन किसी और न्यू वीडियो में किसी और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।